सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। छोटा सा इशारा तो फिर ये होगा फवाद साहब कि मैं सुल्तान मौजम से कहूंगा कि राजों से पर्दा उठ चुका है, सौदा पक्का। सौदा पक्का पाशा? तहसीन पाशा ने नौजवान तुर्कों को रियासत के राज बताना शुरू कर दिए। मुझे बताइए, मेरी बहन का कातिल आखिर कौन है? खलील खालिद। ये तबादले की पेशकश के लिए काफी है। जबरदस्त, तुमने अच्छा काम किया है फवाद। जहाज पर खबर भेजो, अफ्यून के तमाम डब्बों पर तिब्बी सामान का निशान लगा दें, और फिर अखबार में खबर आएगी कि पायतख्त में फैलने वाले जहर का तरियाक जहाज पर मौजूद है। अपने मजमून का असर नौ जायजा लूं। अगर आपने फैसला कर लिया था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? इस मासूम खूबसूरती को दिन की रोशनी में देखने के लिए। तबीबों का कहना है कि पानी में जहर मौजूद है, लोगों को खबरदार कर दिया गया है कि पानी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तबादला नहीं होगा पाशा। तबादले के मैदान में गद्दारों से उनके किए का हिसाब लिया जाएगा। इसे उठा लो। मैं कसम खा कर कहता हूँ, फुआद नामी गद्दार को जो मैंने मालूमात दी थी, ये हूबहू वही हैं। पाए तख्त के बहुत से लोग जहर से मरेंगे, जिसे हमने पानी में मिलाया है। खलील खालिद, अब्दुल हमीद का एक खास हुक्म है, जगह और वक्त का तायुन वो करेगा। फिर वो फौरी तौर पर हमें वक्त और जगह का बताए। मैंने जो भी बताया, फुआद साहब ने वो लफ्ज ब लफ्ज नौजवान तुर्कों को भेज दिया। अब आप क्या करेंगे सुल्तान मुअज्जम? जालिमों और गद्दारों के साय में पना लेने वालों के लिए जिंदगी नहीं है। आरसी बहार को अबदी खुशी समझकर इस पर यकीन करने वालों के लिए जिंदगी नहीं है। हमसे गद्दारी करके, रियासत से गद्दारी करके अपने दिलों को ताजगी देने वालों के लिए जिंदगी नहीं है। जो हमारी रियासत को तबाह करने के ख्वाब देखते हैं, दोस्तों को तकलीफ देने वालों के लिए जिंदगी नहीं है। फवाद साहब अपने मुंतखब करदा रास्ते की कीमत चुकाएंगे। फवाद साहब को पकड़ें। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम, इस मामले की देखभाल मैं खुद करूंगा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। जनाब, जनाब, मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ पहुंची है, कुछ कहते क्यों नहीं आप? अब हम क्या करेंगे? मैं उलझ गया हूं तातार, कुछ सोच रहा हूं। अस्पताल से खबर मिली है कि मरीजों की हालत बहुत खराब है, खवातीन बच्चे और बहुत से मासूम लोग।
तबीबों को जहर का तिरयाक मिला? नहीं जनाब, तबीबों को जहर का तिरयाक नहीं मिल सका। ये इसीलिए इत्मीनान से है। हम इंतजार करेंगे दादा, इंतजार करेंगे। क्या तबीबों ने बताया है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए कितना वक्त बचा है? उन्होंने 12 घंटे का वक्त दिया है। मरीजों के जिस्म भी इस वक्त जहर से लड़ रहे हैं मुसलसल। हमारे दोस्त गालिब साहब जाते हुए आपको हमारे पास छोड़ गए। हमारे दोस्त तहसीन पाशा जाते हुए हमारे दिल में दर्द छोड़ गए। दोस्ती का बेहतरीन लिबास वफादारी है सुल्तान मौज़म। इस बारे में मौलाना रूमी मसनवी में कहते हैं, एक नौजवान रोज अपने बाबा के पास आता और कहता, मेरे बहुत से दोस्त हैं और आपके पास सिर्फ एक दोस्त है। एक दिन उसके बाबा ने एतराज करते हुए कहा, तो आपके बहुत से दोस्त हैं, अगर मिलने वाले हर फर्द को कहें कि ये दोस्त है तो वो गलत है। हकीकी दोस्त सिर्फ एक या दो होते हैं। बेटे ने कहा, नहीं, वो सब मेरे करीबी दोस्त हैं। उसके बाबा ने कहा, ठीक है, आप अपने दोस्तों की आजमाइश करेंगे। लिहाजा उन्होंने दोस्तों को आजमाने का फैसला किया। एक शाम उन्होंने भेड़ जिबा की और उसे बोरी में डाल दिया। बाप ने अपने बेटे से कहा, अब ये बोरी अपने कंधे पर टांगो और अपने दोस्तों के पास जाओ। बोरी से ऐसे खून टपक रहा था जैसे उन्होंने किसी शख्स को मारकर बोरी में डाला हुआ हो। नौजवान ने बोरी उठाई और अपने सबसे करीबी दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने खून आलूद बोरी की तरफ देखा। नौजवान ने कहा, मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करो। उसके दोस्त ने उसके मुंह पर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान एक एक करके तमाम दोस्तों के पास गया और तमाम दोस्तों ने भी एक एक करके दरवाजे बंद कर लिए। बहरहाल वो नौजवान घर वापस आ गया और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं जो बुरे वक्त में उसकी मदद करता। उसके बाबा मुस्कुराए और कहा कि अब मेरे दोस्त की बारी है, जाओ और मेरे दोस्त से कहो कि तुमने एक शख्स को मार दिया है, देखो वो क्या करेगा। नौजवान अपने वालिद के दोस्त के पास गया और कहा कि मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करें आप। बाबा के दोस्त ने बगैर कुछ सोचे उससे बोरी ले ली और अपने घर के पीछे खेत में चला गया सुल्तान मौज़म, और उस बोरी को जिसमें भेड़ थी उसे जमीन में दफन कर दिया और मट्टी को अच्छी तरह से बराबर कर दिया और ऊपर फूल पौधे लगा दिए ताकि कोई कुछ समझ न सके। बेटा अपने बाबा के पास आया, उसने कहा कि आपके दोस्त हकीकी है। उसके बाबा ने कहा कि अभी फैसला मत करो, कल तुम मेरे दोस्त की तरफ जाना और उससे लड़ना, उसके साथ मार पीट करना, तब हम समझेंगे कि हकीकी दोस्त क्या होता है। अगले रोज नौजवान अपने वालिद के दोस्त के घर गया, उससे झगड़ा किया और उसके साथ मारपीट की। उसने अपने बाबा के दोस्त को तमाचे रसीद किए। वो रोने लगे और उसे देखा और कहा, लड़के यहां से जाओ, बाबा को मेरा सलाम कहना। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो दो तमाचों के बदले गुलाब के बाग को वीरान कर दूं। दोस्त की तकलीफ भी अच्छी होती है, दोस्त की वफादारी उसे खूबसूरत बनाती है। हमारे दोस्त इस्माइल हक्की साहब, चलिए अपने दिलों को चमकाएं ताकि दोस्त का चेहरा दिल में रोशन हो। अल्लाह के इसमें मुबारक का विर्द करते हैं, या हई या हई या हई या हई या हई। Hey!
सुल्ताने मौसम, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ सवालात खत्म नहीं हो रहे। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको और आप सुकून पाएंगे। आ जाइए। सुल्ताने मौसम, अहमद जलालुद्दीन पाशा ने पैगाम दिया है कि वो तैयार हैं। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं मलिका। क्यों सुल्ताने मौसम? आज हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा या फिर हमें अपना दोस्त मिल जाएगा या फिर पुराने दोस्त का जनाजा उठाएंगे आज। अल्लाह की जात पर यकीन रखिए आप, वही होगा जो बेहतर होगा सुल्ताने मौसम। अखबारात हमारे बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने लिखा है कि शहर के डाकू खलील खालिद पाया तख्त में इलाज के लिए तिरयाक लाने नहीं दे रहा। ये बदबख्त लोग, ऐसे लगता है जैसे इसके आदमियों को मालूम है कि क्या करना है। अब उन्हें उस बदबख्त को छोड़ने के अलावा चारा नहीं है। कोई ले आओ उसे यहाँ। आपके कहने के मुताबिक हमने अफ्यून के डब्बों पर तिब्बी सामान की मोहर लगा दी है। ऊपर की बोतलों में तिरयाक है और उनके नीचे मंशियात। बहुत खूब, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आपने सामान नहीं उतारा तो जहाज चला जाएगा। हम जनाब जॉरिस का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके पास कोई मंसूबा होगा। आप थोड़ा और इंतजार कीजिए। हम इंतजार नहीं कर सकते। क्या वाकई? तो हम तुम्हारे जहाज की मुखबरी कर देंगे। तुम्हारा तमाम सामान अब्दुल हमीद जब्त कर लेगा। अब आप इंतजार करेंगे। पहले बच्चों के पीछे छुपकर बच गए तुम, अब तुम खुद को मासूम लोगों के पीछे छुपकर बचा रहे हो। लेकिन वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है जब तुम खुद हथियार डाल दोगे अमानतदार। असल सवाल ये है कि तुम इस कदर रहम दिल क्यों हो? मैं तो बस उतना ही सफाक हूं जितना इस दुनिया में होना चाहिए, लेकिन तुम मासूम लोगों को बचाने के लिए मुजरिमों से भरे जहाज नहीं डूबने दोगे, है ना? मुझे किसी मासूम पर तरस नहीं आएगा। मैं उस जहाज को बम से उड़ा दूंगा। तुम्हें तरियाक हासिल करने के लिए बंदरगाह से अपने आदमी को बुलाना होगा, फिर वहां तबीब को भेज देना, वो उसका मुआयना करेंगे। तुम्हें मुझे उसकी कीमत अदा करनी होगी और तरियाक तुम्हारा हो जाएगा। अमानतदार, मैं वो रकम बतौर अमानत तुम्हारे पास रखवाऊंगा और जब वापस लेने आऊंगा तो मार दूंगा तुम्हें। अब जाओ।
सुबह बखैर बेदार खातून। आपको भी सुबह बखैर। आपने पैगाम भिजवाया था कि जितनी जल्दी हो सके हम महल पहुंचे। खैरियत है, कोई मसला तो नहीं? जी हाँ, कल जो कुछ हुआ उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे। स्नेहा सुल्तान, जब से शिवनास खातून महल में आई हैं, आप हमेशा उनसे अच्छी तरह पेश आई हैं। हत्ता कि जब हमें उन पर एतबार नहीं था तब भी उनकी नीयत पर कोई शक नहीं था आपको। बिल्कुल ऐसा ही था। हमें नहीं लगता कि आप दोनों सिर्फ तजारती मसले की वजह से इस कदर बहस कर रहे थे। हमने सोचा कि शायद आप शिवनास खातून के सामने हमें सच नहीं बताएंगी, इसीलिए आपसे अकेले मिलना चाहते थे। देखिए, हमने उनसे वादा किया था कि हम उन पर एतमाद करेंगे, लेकिन एक छोटी सी छोटी चीज भी उनके खिलाफ हमारे शुभात को मुतहरिक कर सकती है। क्या हाल में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन पर शुभा हुआ हो? शायद आपने सुना होगा, शिवनास खातून के पांव उनके कमरे में जख्मी हो गए थे। बिल्कुल, हमें मालूम हुआ था कि वो कपड़ों में उलझकर गिर गई थी और कोई कांच की चीज टूट गई थी। ताहम जब हम उनके कमरे में दाखिल हुए तो कांच के टुकड़े बिखरने के बजाय एक खास तरतीब से जमीन पर बिछे हुए थे। हम जानते हैं कि ये एक मजाक लगता है, नहीं जानते कि इसका कोई मतलब है भी या नहीं, लेकिन शिवनास खातून के बारे में जो भी मालूमात मिलती हैं वो हमेशा इंतहाई गैर फितरी होती है। इसी वजह से हम एक बार फिर आपसे पूछना चाहते हैं, क्या उनके बारे में ऐसा कुछ भी है जिसका जिक्र आप हमसे करना चाहेंगी? सबाहतीन महफूज हो सकता है, लेकिन लुत्फुल्ला, उनकी हिफाजत कौन करेगा? हमारा बेटा लुत्फुल्ला, हमने शिवनास खातून से बहस की क्योंकि हमें लगता है तिजारत के लिए अच्छी सौदागर साबित नहीं हो रही। उनके गलत फैसलों की वजह से हमने रकम गवाही। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आपने उनसे कहा कि तुम फरार नहीं हो सकती और ये कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने अपने मुफादात के लिए गलत फैसले किए। उन्होंने बहुत मुश्किल सूरत हाल में छोड़ दिया बेदार खातून, बहुत बुरे हालात में। बदकिस्मती से हमारी दोस्ती भी इन्हीं हालात का शिकार हो गई। शराकत दारी खात्म। आ जाइए। सुल्ताना, मेरे ख्याल से ये आपको देखना चाहिए। ये क्या है? अखबार में आपके बारे में एक मज़मून छाया हुआ है। इससे पहले इसी सहाफी ने आपके बारे में मनफी खबर लिखी थी। शुक्रिया जुल्फत, आप जा सकती हैं। जनाब, बंदरगाह पे काम का ध्यान रखा जा रहा है। जहाज के लंगर अंदाज होते ही सामान ले लिया जाएगा। जैसा मैंने कहा था वैसे ही। जी जनाब, तभी वही मौजूद हैं। दरिया का मुआयना किया जाएगा।
उसका हाथ सख्त था। हाँ, बहुत सख्त। तवील अरसे से ऐसी तवाजो नहीं हुई मेरी। क्या तुमने जानबूझ के खुद को गोलियों के आगे किया था? हाँ, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक था। अगर वो तुम्हारी जान ले लेता तो? वो नहीं मारता। खलील खालिद इस फिक्र में है कि मैं कौन हूं, और ये जाने बगैर वो मुझे नहीं मारेगा। जहाज लंगर अंदाज हो रहा है। बहुत खूब। देखो रुबीना, हम खलील खालिद और उसके आदमियों से रकम लेंगे और पाए तख्त में अफ्यून ले आएंगे जैसा कि हम चाहते थे। सौदागर की हैसियत से अब तुम इसे संभालोगी और मैं तुम्हारी दूर से हिफाजत करूंगा। सुबह सुबह आपको अपने कमरे में देख रही हूँ, मेरे लिए शर्फ की बात है। खड़ी हो जाइए। जो आपका हुक्म। खामोश करने में कामयाब हो गई आप। बिदार सुल्तान को हमने कुछ नहीं बताया। मुझे इस बात का यकीन था, एक औलाद ही माँ की कमजोरी होती है। इसी वजह से मां नहीं बनना चाहूंगी कभी भी। अच्छा फैसला है, क्योंकि आप इस खुशी को पाने की मुस्तहिक भी नहीं हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हमसे छुटकारा पाने में कामयाब हो गई हैं। बिदार एक अकलमंद खातून है, जल्द या बदेर वो आपकी असलियत से वाकिफ हो जाएंगी। आपके पास अब भी वक्त है, यहां से भाग जाने में आफियत है, क्योंकि अगर आप पकड़ी गई तो आप पर किसी भी सूरत रहम नहीं किया जाएगा। तहसीन पाशा, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं पाशा। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो तहसीन पाशा, और एविनेस हमारे पास आएगा। मैं वहां आ रहा हूं, उसे इधर भेज दे। चलो। रियासत बातचीत नहीं करती, रियासत तबादला नहीं करती, रियासत नाजायज काम नहीं करती। खयानत की कीमत अदा करनी पड़ती है। जब गद्दार सामने हो तो आपका फर्ज है कि उसे जमीन में दफन कर दें।
अहमद पाशा। सुल्तान मौजम, मैं नौजवान तुर्कों के बारे में और कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका। जब हम तहसीन पाशा का तबादला करेंगे तो जान जाएंगे कि उन्होंने कितने राज बताए हैं। हमारी रियासत गैर जिम्मेदार नहीं है वेम्बरी साहब। उन्होंने जो भी राज अफशा किए हों, हमारी रियासत उससे निमटने की सलाहियत रखती है। दुरुस्त फरमाया सुल्तान मौजम। वो तहसीन पाशा का तबादला उस कैदी के साथ क्यों करना चाहते हैं, क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? सुल्तान मौसम एवेनस हिंचक तंजीम के लिए अहमियत रखता है। वो इजलास बुलाने से पहले तमाम मुखालफीन को इकट्ठा करना चाहते हैं। हिंचक ने इजलास में शामिल होने के लिए एवेनस की शर्त रख दी है। क्या वो तहसीन पाशा से इसलिए दस्तबरदार हो जाएंगे कि जो वो चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा? सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा उन्हें तमाम राज ना भी बताए तो फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कुछ राज जानना ही काफी होगा। तहसीन पाशा जब यहां आएंगे तो हम उनसे एक एक बात पूछेंगे वेम्बरी साहब। जो भी रियासत के साथ गद्दारी करता है तो वतन की मिट्टी उसे असीयत देती है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। हाँ तो आपको तरियाक मिल गया? आपको रकम मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारे तबीब इसका मुआयना करना चाहेंगे। जरूर, खोलो। लार्स, जब वो ये सामान लेकर जा रहे होंगे तब हम हमला करेंगे। सब कुछ तैयार है ना? बिल्कुल। बहुत खूब। खलील खालिद साहब, मुझे लगता है कि ये शिफा बख्श होगा। ततार जजार। शुरू करो। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हमारे तबीब पहले ही उस जहर का तिरयाक बना चुके हैं। शुक्र है सुल्तान मौजम की कायम करदा तजर्बागाह में काबिल अफराद मौजूद हैं। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मनशियात सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। सही कहा मैंने?
तबादले का वक्त गुजर गया सुल्तान मौजम, अगर आप चाहें तो पेरिस में मौजूद अपने दोस्तों से पूछूं मैं कि क्या सूरत हाल है वहां पे। इसकी जरूरत नहीं है वेम्बरी साहब, आ जाएं। मालूमात के लिए अहमद पाशा ही काफी हैं। सुल्तान मौसम, जो फर्ज आपने मुझे सौंपा था पूरा हुआ। आने मौसम, तबादले के लिए आने वाले दो लोग और आर्मेनी दहशतगर्द एवेनस हलाक हो गए। अफरीन, ये क्या है सुल्तान मौसम? तहसीन पाशा जब जेर हिरासत थे तो उन्होंने पानी पिया और ये तोड़ दिया। इसके पैंदे में हमारी रियासत को धमकी देने वाला मजमून लिखा था। तहसीन पाशा ने कभी हमसे गद्दारी नहीं की, अपने दिल से हमने उन्हें देखा और अपनी रूह से पहचाना। आ जाएं। हमारे दोस्त, सुल्ताने मौसम, वेम्बरी साहब, ये हमारे दोस्त सुल्तान बस। सुल्तान बस, आप मेरे अबदी और असली दोस्त हैं। मैंने कभी आपसे गद्दारी नहीं की सुल्तान मौसम। हम जानते हैं पाशा,
अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है सुल्ताने मौसम, शुक्र है कि मुझे आपके सामने एक वफादार की हैसियत से लाया गया। ये हमारे साथ कैसे हुआ पाशा? मुझे आपकी तरफ का तो इल्म नहीं सुल्ताने मौसम, लेकिन जब अहमद पाशा ने मुझे गिरफ्तार किया, मैंने पानी तलब किया तो मुझे एक गिलास में पानी दिया गया। जब मैंने वो पानी पिया तो गिलास के पेंदे में एक तहरीर लिखी हुई थी, शहजादा मोहम्मद सलीम को रुस्वा कर दिया जाएगा, माफी चाहता हूँ। हमने भी ये सोचा कि जरूर कोई वजह है जो आपने वो जुर्म कबूल किया है, फिर हमें वो गिलास याद आया। और यही वजह है कि हमने आपके बजाय तबादले के दौरान बाकी तीन अफराद को कत्ल कर दिया। इस गिलास की वजह से मुमकिन हुआ है सब। वो उस आदमी को आर्मीनियों की तरफ से नुमाइंदे के तौर पर नौजवान तुर्कों में शामिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपके बदले उसी शख्स का मुतालबा किया था। आखिरकार हमने संभाल लिया। अहमद पाशा का रवैया इस कदर सख्त न होता तो यह मामला इतनी संगीन सूरत इख्तियार न करता। मैंने अपना फर्ज अदा किया। आपकी तहरीर फ्रांस में नौजवान तुर्कों को भेजे गए खतूत से बिल्कुल ममासलत रखती थी। बज़ाहिर उन्होंने हमारे साथ खेल खेला, लेकिन हम अहमद पाशा के सख्त रवैये को इल्जाम नहीं देंगे पाशा। ये अदल के लिए आए हैं यहाँ, इंसाफ की ताकत के साथ। बिल्कुल सुल्तान मौसम, ताकत से ही इंसाफ कायम किया जा सकता है। ताहम मैं अब भी समझता हूँ कि अहमद पाशा का तरीक़ेकार रियासत के लिए काफी सख्त है। नहीं पाशा, हमारे सामने एक बिफरा हुआ समंदर है जो हमें डुबोने को तैयार है। बद अखलाक दुश्मन हमारी औलाद को हमारे खिलाफ तैयार कर रहा है। जब हम दुश्मन से लड़ रहे होंगे तो कभी कभार हम रहम दिली से फैसले करेंगे और कभी कभार सख्ती से। अहमद जलालुद्दीन पाशा हमारा जलाल है और आप तहसीन पाशा अपने नाम के माना की तरह मुआमलात को हुस्न खूबी से सर अंजाम देंगे। आप रियासत को अपनी रहमत से मुजयन करेंगे और अहमद पाशा अपने जलाल से। खलील खालिद, तुम वो आदमी हो जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या आपको लगता है कि हम आप पर एतमाद करेंगे? अल्लाह की रजा से हम और हमारी रियासत कोई भी दवा तैयार कर सकती है। हमें मालूम था कि इन डब्बों में मंशियात हैं और हम जानते हैं कि आप मासूम लोगों के लिए अद्वियात नहीं लाएंगे। तुमने मंशियात को नहीं, मासूम लोगों के मुस्तकबिल को जलाया है। हमें तुम्हारी शिफा नहीं चाहिए शैतानों। मैंने तहसीन पाशा को भेजा, उन्होंने एवेनस को भेजा, लेकिन फिर अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। फिर एवेनस और मेरे दो आदमी एक एक करके मारे गए। मैंने बमुश्किल अपने आप को बचाया। ये कैसे हुआ, बल्कि ये क्यों हुआ? अब्दुल हमीद को मालूम हो गया कि तहसीन पाशा ने गद्दारी नहीं की। मेरे खुदा, यानी मेरा वक्त पूरा हो चुका। आपको कुछ नहीं होगा। मैंने मोहम्मद सलीम को धमकी दी, महमूद पाशा को रिश्वत दी और रियासत के राज हासिल किए। तहसीन पाशा के चेहरे पर मैंने तमाचे रसीद किए। ये जमीन तंग कर देंगे मुझ पर। डरे मत फौज साहब, डरे मत। तुम इतने पुरसकून कैसे हो? फौज साहब का दुश्मन अब्दुल हमीद है, लेकिन इनके मुहाफिज इससे भी बड़ी चट्टान यानी रुथचाइल्ड है, और यकीनन वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप उन मुआहिदों की सबसे बड़ी शर्त हैं जो उन्होंने अब्दुल हमीद से किए थे, है ना? है ना, है ना? हमें ये खबर पेरिस भेजनी होगी। तमाम मुआहिदे मंसूख हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो?
कह रहा हूँ कि तमाम मुआहदे मंसूख हो गए। अब्दुल हमीद के आदमियों ने एविनेस को गोली मार दी, वो मर चुका है। तुम क्या समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आर्मीनियों के इजलास में शमूलियत की सिर्फ एक शर्त थी, और वो शर्त थी कि एविनेस को आजाद किया जाए। तुमने बताया कि वो शख्स मर चुका। ऐसा ही है, मेज तबाह हो चुकी है। मेज यही है, बिल्कुल मुस्तहक। आप समझे नहीं सबाहद्दीन, आर्मीनियाई इस इजलास में शामिल होने की भारी कीमत अदा करेंगे, और इस कीमत के बदले वो सिर्फ एक चीज चाहते थे, यानी एविनेस की आजादी, जो कि अब मर चुका है वो। आप नहीं समझे कारासू, वो भी कीमत अदा करेंगे और हम भी। अब्दुल हमीद के तबाह होने तक हर कोई कीमत अदा करेगा। मुझे देखिए, अपनी सरजमीन से दूर मैं यहाँ मौजूद हूँ, अपने वालिदैन से दूर रहकर कीमत अदा कर रहा हूँ, इसलिए हर किसी को कीमत अदा करनी होगी। आपने याद फरमाया सुल्तान मुअज्जम, फैसला करने से पहले हम आपको अपने दीवान में शामिल करना चाहते थे। हम जानते हैं कि फवाद साहब किसके लिए काम कर रहे हैं, बस सजा में ताखीर की। अब तक सुल्तान मुअज्जम, जब मुझे अगवा किया गया तो वहां फवाद साहब भी मौजूद थे। मैंने उनके चेहरे पर थूक दिया, इस मंसूबे के पीछे उनका भी हाथ था। सुल्तान मुअज्जम, हमें फौरन उस फरेबी फवाद को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें यही करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम इतनी ताकत रखते हैं, लेकिन रूथ चाइल्ड के तमाम कर्जों के मुआहिदों का ताल्लुक बराए रात फवाद साहब से है। फवाद साहब को गिरफ्तार करने का मतलब कर्ज के मुआहिदों को मनसूख करने के मुतरादिफ है। इसके नतीजे में हमें अपने कारखानों को बंद करना होगा और हमारी मईशत को बड़ा धचका लगेगा। हम नहीं जानते कि फवाद साहब को गिरफ्तार करने के बाद हमें किन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक तवाजुन है पाशा, और वो है रियासत। हमने तवाजुन के नाम पर अपनी सियासत को नर्म किया और बेशतर मौकों पर रहम भी दिखाया, लेकिन वो तवाजुन से नहीं चल रहे पाशा। वो हमारी दोस्ती पर हमला करते हैं, वो हमारे घरों, हमारे दिलों और रूहों पर हमला करते हैं। अगर हमें इसकी कीमत अदा करना पड़ी तो करेंगे। अगर आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, तो आर्मीनियों को इजलास में शामिल करने के लिए उनकी एक ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए बस। वो क्या है? विलायत सिद्दा। 6 आर्मीनी सूबे, अर्जरूम, वान, बिटलिस, हारपुत, दियारे बाकर और सिवास। अब्दुल हमीद कभी भी उन्हें आर्मीनी सूबों के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। बर्लिन मुहायदे की शक नंबर 61 के मुताबिक उसने आर्मीनी बाशिंदों के तहफ्फुज़ और सूबों में इस्लाहात पे इत्तेफाक किया था। वो सिर्फ कागजी बातें हैं कारासू। अब आर्मीनी चाहते हैं कि ऐसा हकीकी तौर पर हो जाए, अब्दुल हमीद की सियासी चालें खत्म हो जाए और शक नंबर 61 को यकीनी बनाया जाए, तो यकीनन हिंजक आपकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। रूसियों को विलायत सत्ता को कबूल करना होगा और अब्दुल हमीद को वहां इस्लाहात करने के लिए राजी करना होगा। ठीक है, रूसी अब्दुल हमीद पर दबाव डालेंगे और विलायत सत्ता में इस्लाहात करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन सिर्फ यही हिकमत अमली काफी नहीं होगी। हम मुसलमान मुखालिफ अवाम और आर्मीनियों को मुत्तहिद करेंगे, उनके मुश्तरका मुतालबात होंगे। अब्दुल हमीद के मुखालिफीन को मुत्तहिद करना नागुजीर हो चुका है। वैनबेरी रूसियों के साथ सियासत का तायुन करेगा और हम अखबारात के जरिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हर कोई अपना काम करेगा। मैदान जंग कीमत के तौर पर जिंदगी चाहता है, खून चाहता है, इश्क कीमत के तौर पर दिल चाहता है, सियासत कीमत के तौर पर शिकस्त चाहती है, लेकिन हम मैदान जंग में जान देने से नहीं डरते, मोहब्बत में दिल हारने से नहीं डरते और सियासत में शिकस्त खाने से कभी नहीं घबराएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुल्तान अब्दुल मजीद खान के बेटे सुल्तान अब्दुल हमीद खान हुक्म देते हैं, फुआद को गिरबान से पकड़ के घसीटते हुए यहां लाया जाए। तुर्क नौजवान आर्मीनियाई गिरोहों के साथ तावुन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो तुर्क हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं।
आप सिर्फ खुद को बचाने की फिराक में हैं। अगर मैं मरा तो क्या लगता है आप जिंदा रहेंगी? अगर फौद बोल पड़ा तो वो एक एक करके हमारा शिकार करेगा। उन खतूत में क्या था शिवनाज खातून?